दोस्तों जो है सही वीडियो में है वही। नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं इन्फोक्रीम टीवी। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है कि अगर आपके पास बाइक है तो क्या वाकई में आप लड़कियों को पटा सकते हैं। तो दोस्तों यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इन्फोक्रीम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब मैं कॉलेज में था ईयर 1997 में, जब मैंने बीएससी का फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, तब कुछ लड़कियां मेरे साथ बात करती थी। तब मेरे को यह लगा कि अगर मेरे पास बाइक होता तो मैं अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से उनको इम्प्रेस कर पाता और कोई ना कोई लड़की मुझसे पट ही जाती जब तक मैं ये थर्ड ईयर में पहुंच जाता हूं। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बाइक्स बाई करके दिया नहीं तो मेरे पास बाइक थी नहीं। तो अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मेरा एज जो है वो 42 है, थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ मैं। लेकिन इतने सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ओके लड़कियाँ पटाने के बारे में, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आज के वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बाइक होने से लड़कियाँ आपसे अट्रैक्ट होगी, आप लड़कियाँ पटा सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों अगर मैं बाइक की बात करूँ तो मैं फैमिली बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स बाइक की बात कर रहा हूँ। आज के दौर की अगर स्पोर्ट्स बाइक्स की बात करें तो R15 है, उसके बाद करिश्मा है, पल्सर है ओके, जो स्पोर्ट्स लुकिंग बाइक होती है वही आपकी हेल्प करेगी लड़कियों के सामने इम्प्रेशन जमाने में। अगर आप फैमिली बाइक लेकर जाएंगे तो लड़कियां इम्प्रेस होगी नहीं। तो ये पूरे वीडियो में जो मैं बाइक की बात कर रहा हूँ वो है स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक के अलावा अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है तो भी 100% लड़कियाँ आपसे इम्प्रेस होंगी, क्योंकि काफ़ी दमदार और मर्दाना बाइक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लड़कियाँ पटाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास कोई ना कोई स्पोर्ट्स बाइक है जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो ओके, या फिर रॉयल एनफील्ड है, तो बाइक जो है वो 50% काम जो है आपका आसान बना देती है। बाइक जो है एक कैटलिस्ट का काम करती है, एक मैग्नेट का काम करती है, ताकि लड़कियां जो है वो पहले बाइक पे अट्रैक्ट होती है और उसके बाद बाइक वाले पे अट्रैक्ट होती है। तो ऑटोमेटिक जो है लड़कियाँ आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास वो दमदार स्पोर्टी या फिर रॉयल एनफील्ड बाइक है। तो 50% काम आपका हो गया, तो बाकी 50% जो है वो है आपका पर्सनालिटी जो लड़कियां पटाने में हेल्प करती है ओके। सिर्फ बाइक से काम नहीं चलता, अगर आपके पास अच्छी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, लड़कियां पटाने की कला नहीं है आप में, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बराबर नहीं है तो कोई भी लड़की आपसे जो है वो पटेगी नहीं। तो बाइक होने के साथ साथ, मेरा कहने का क्या मतलब है, रॉयल एनफील्ड या फिर कोई भी अच्छी स्पोर्ट बाइक होने के साथ साथ आपको जो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपकी पर्सनालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, ड्रेसिंग सेंस जो है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बात करने का तरीका जो है वो बहुत ही ओके प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा आपको, तभी लड़कियां जो है वो पढ़ सकती है ओके। सिर्फ बाइक होने से काम नहीं होता। तो दोस्तों यह था छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि बाइक से ही सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस किया नहीं जा सकता। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि अगर उनके भी माइंड में ये गलत फहमी है कि सिर्फ बाइक होने से लड़कियां इम्प्रेस होगी, तो ये बात जो है वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने इन्फोक्रीम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।